हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। और इस वीडियो के थ्रू आप रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं क्लास 7th के हिस्ट्री लेसन 8 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। वैसे तो ये लेसन काफ़ी लेंदी है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कोशिश की है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर सकूं, पर इसके अलावा भी ये चैप्टर बहुत लेंदी है। सो मैं हर स्लाइड को 7 से 8 सेकंड के लिए पॉज करूंगी ताकि आप वहां पे वीडियो को पॉज कर सकें और पॉइंट्स को नोट कर सकें। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो 11th पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इवन 9th पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथी सिद्धाज एंड योगीज। बेसिकली इस लेसन के अंदर हमें ये बताया गया है भक्ति मूवमेंट क्या था। भक्ति सिर्फ हिंदुओं में नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड में उसको बोला गया सूफी मूवमेंट, या सिखिज्म में भी भक्ति मूवमेंट टर्म यूज किया जाता है। तो जो वेरियस धर्म है इस्लाम है या फिर सिखिज्म है, सब में किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से संत या गुरु बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, उनकी भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में या गुरुओं के बारे में या बेसिकली एलमाइटी गॉड के बारे में क्या सोच थी, वो क्या मानते थे, और उन्होंने अपनी सोच को पॉपुलराइज किया, और किस टाइम पीरियड में किस जगह पे कौन से संत, सूफी संत या भक्ति संत कौन से पॉपुलर हो गए। सो मेजरली ये चैप्टर उस चीज पे डील करता है। और ये जो 5th क्वेश्चन है बाबा गुरु नानक देव के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स में इस चैप्टर के ऊपर से अगर 5 मार्कर आता है तो गुरु नानक जी के ऊपर आता है, क्योंकि थोड़ा ईजी क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू अदर्स। और ये है इस लेसन का मैप वर्क। वैसे मैप वर्क के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें क्लास 7th के सभी इम्पोर्टेंट मैप वर्क इंक्लूडेड हैं, जो तकरीबन हिस्ट्री के हर चैप्टर और ज्योग्राफी के हर चैप्टर जिसमें भी मैप वर्क आता है वो सब इंक्लूडेड है उसमें, और ये मैप भी मैंने वहीं से लिया है। और एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए, राइट एनी 3 दोहास ऑफ सेंट कबीर दास। सो कबीर दास के दोहे बहुत पॉपुलर हुए हैं अपने टाइम पे और आज भी पॉपुलर हैं, और बहुत बार हिंदी की बुक्स में चैप्टर्स भी होते हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच।